आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 14वां मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीम को उम्मीद थी कि आज पहला अपनी जीत ही अर्जित करेंगी, यानी कि श्रीलंका जिस तरीके से अपना दोनों मैच हार चुकी है, वहीं पर 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी अपना दोनों मुकाबला हार चुकी थी। इस मैच में जिस तरीके से एक बार टॉस जीती श्रीलंका की टीम, आज उनके बीच में आज उनके जो कप्तान थे कुशल मंडिस थे, कुशल मंडिस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आप ये कह सकते हैं कि 21 ओवर में कुशल मंडिस का ये फैसला काफ़ी आप सुरक्षाजनक रहा, यानी कि जिस तरीके से प्रथम निशंका और कुशल परेरा के बीच में शतकीय साझेदारी हुई, अगर बात की जाए तो कुशल परेरा ने 78 रनों की पारी खेली, वहीं प्रथम निशंका ने 61 रनों की पारी खेली, और उनकी तरफ से दोनों को छोड़ दें आप तो श्रीलंका ने 25 रनों की पारी खेली। लेकिन जिस तरीके से पूरी टीम 209 रनों पर धराशायी होती, यानी कि पूरी टीम 209 रनों पर 43.3 ओवर में ऑल आउट हो जाती है, एडम जाम्पा का जब कहर बरपा, एडम जाम्पा ने 4 विकेट अपने नाम किए, उसके बाद जिस तरीके से जब बैटिंग करने आती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये उम्मीद थी कि हम इस मुकाबले को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। आप ये समझ सकते हैं कि पूरे विश्व कप में 2 मैच खेलने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था। इस मैच में जिस तरीके से आज पारी खेली मिचेल मार्स ने, उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली, उसके बाद उनके जो विकेट कीपर हैं जॉस इंग्लिस, जिनको एलिस कैरी की जगह पर रखा गया है, उन्होंने भी 58 रनों की पारी खेली। वहीं अगर बात की जाए मैक्सवेल की, उन्होंने भी ताबड़तोड़ 21 बालों पर 31 रन बनाए। अगर बात की जाए मॉर्कस स्टोनिस की, तो उन्होंने 10 बालों पर 21 रन बनाए। लेकिन इस विश्व कप में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला कि आज इस मुकाबले में एक तरफ जिस तरीके से श्रीलंकाई टीम 300 रन को वो समझ रही थी कम से कम 300 रन बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एडम जाम्पा की जो बॉलिंग रही वो वाकई में काफ़ी खतरनाक रही, उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट अपने नाम किया, और वहीं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 सफलताएं अपने नाम की। आप ये समझ सकते हैं कि इस मैच में जिस तरीके से एडम जाम्पा ने 10 या आप ये कह सकते हैं कि 4 विकेट लेने वाले वो 10वीं बार बने, यानी कि 4 विकेट लेकर 10 बार उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा किया। वहीं शेन वॉर्न जो उनके आप ये कह सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर बॉलर थे, शेन वॉर्न के नाम 13 बार 4 विकेट दर्ज हैं। लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ी खूबी देखने मिली कि जिस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने कमबैक किया, यानी कि जिस तरीके से लग रहा था कि आज इस मैच में एक बड़ा स्कोर देखने मिलेगा, बड़ी फाइटिंग देखने मिलेगी, वो सब कुछ धराशायी रह गया। इस मैच में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिस ने बल्लेबाजी की, उससे पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बार ये लगा कि ये मैच हमारे हाथ में है, और ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपना 3रा मुकाबला ये जो था उनका, यानी कि 2 मुकाबले वो हार चुके थे और क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पहली जीत अर्जित की। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए उनके तरफ से वो दुष्यंत मलसुंगा ने लिया 3 विकेट, और वहीं 1 विकेट वेदा लागे का नाम हासिल हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हैं साफ तौर से कि इस वर्ल्ड कप में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में सबसे 23 सेंचुरी लगाई एडन मार्कम ने, जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, 49 बॉलों पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 8वीं अपनी सेंचुरी पूरी की, यानी कि इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते गए। आज वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने, यानी कि 5 बार की विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी पहली वर्ल्ड कप 2023 में जीत अर्जित की, यानी कि 2 मुकाबले वो करारी शिकस्त मिलने के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो कभी भी 200 रन का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। इंडिया के खिलाफ उन्होंने 199 रनों पर धराशायी हो गई, 199 रन पर आउट हो गई, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया टीम को कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा हाई हुआ होगा, थोड़ा अप हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम ने आज इस मैच में 5 विकेट से श्रीलंका की टीम को मात दी। आप ये साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि एक समय जब श्रीलंका की टीम को कुशल मंडिस से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कुशल मंडिस सस्ते में चलते माने, यानी कि कुशल मंडिस ने मात्र 13 रन बनाकर अपने 1 विकेट गंवाए। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।